सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहली बार अपने देश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है और वो होने जा रहा है अपने देश की राजधानी दिल्ली में। तो जी हाँ, इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और आज यही तैयारियों को हम और आप देखेंगे। बेसिकली क्या ना कि हम और आप ड्राइव करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, और वो भी ड्राइव करेंगे रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त इसका नज़ारा वाकई में बहुत कमाल का होता है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आप लोगों को भी दिखाऊं। और वैसे भी आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई G20 की जो तैयारियाँ की जा रही है या G20 के वक्त पे कैसा कुछ लगेगा दिल्ली, वो दिखाओ। तो आज यही हम और आप मिलकर देखते हैं। चलो भाई ड्राइव करते हैं दिल्ली ड्राइव। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जब जाएंगे तो आपको एक नया ये अंडरपास दिखेगा जो कि बनकर कुछ वक्त पहले ही तैयार हुआ है। और इस अंडरपास के पिलर से लेकर वॉल तक सब कुछ पेंट कर दिए जा चुके हैं और अंडरपास का नज़ारा बहुत ही कमाल का है। अंडरपास से जैसे ही आप निकलते हैं तो आप कनेक्ट कर जाओगे दोस्तों उस रोड पे जिसके जरिए आप एयरपोर्ट को जा सकते हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं आपको उसी तरफ लेकर चल रहा हूँ। इस तरफ अगर आप चलोगे तो रोड पे आपको दिखेगा जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उन सभी पे ट्राई कलर की LED लगाई गई है और ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो बेहतरीन यहाँ पर किया गया है। ये हम और आप सामने जो देख रहे हो एयरपोर्ट है, राइट हैंड साइड में ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये पार्किंग का एरिया है। इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ कार पार्क ही किए जाते हैं और कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और एयरपोर्ट के आसपास देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि यहाँ पर देखोगे तो ये जो साइनेज लगाए गए हैं ये नया इंस्टॉल किया गया है दोस्तों, और ब्यूटिफिकेशन का काम बहुत कमाल का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वाओ, अब इस एयरपोर्ट से होते हुए मैं आपको एरोसिटी की तरफ लेकर चलता हूँ। लेकिन एरोसिटी से पहले अगर आप देखोगे तो ये देखो क्या कमाल का दृश्य है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बेहतरीन नज़ारे तो आपको देखने को मिलेंगे, साथ में ग्रीनरी भी बहुत सारी देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर देखो तो G20 का एक और यहाँ पर लोगो, और ये जो आप देख रहे हो ये है अपने देश का सबसे पहला टैक्सीवे। जी हाँ, ये फ्लाईओवर बनाया गया है ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जो एयरलाइंस है वो जा सके रनवे के, और ये अपने देश का पहला है। और इससे बढ़ोगे जैसे ही आगे तो ये देखो यहाँ पर ब्रांडिंग लगाई गई, यहाँ पर अच्छी सी पेंटिंग लगाई गई है, बड़ा अच्छा लग रहा देख के, है ना। और ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा एरोसिटी का है। एरोसिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होटल्स के हब है, सिर्फ होटल्स दिखेंगे और रात के वक्त भी आपको काम दिखेगा इसके सामने। ये है दोस्तों NH 48, इसे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, और इस पे भी बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और अब हम और आप चलने वाले हैं धौला कुआं की तरफ।
और साथ ही साथ ये जो देखोगे जो NHI ने वॉल बना रखा है यहाँ पर आपको फाउंटेन दिखेंगे, ये फाउंटेन तो एक्चुअली नया बनाया गया है और इसमें ट्राई कलर की LED लाइटें लगाई गई हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्टर की मदद से यहाँ पर G20 का लोगो भी आपको देखने को मिल जाएगा। धौलाकुआं कुआं से पहले भी अगर आप देखोगे ना तो मेट्रो की जो लाइन है इस पे भी अच्छी खासी लाइटिंग रखी गई है, ब्रांडिंग भी लगाई गई है। और धौलाकुआं से आगे जब आप बढ़ोगे ना इंडिया गेट की तरफ तो देखो कमाल की ग्रीनरी के साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन नज़ारे दिखेंगे, हर देश का फ्लैग भी आपको इंस्टॉल यहाँ पर दिखेगा और साथ ही साथ नज़ारा भी कमाल का दिखेगा। अच्छी बात यह है कि दिल्ली और उसके आसपास ना अभी ग्रीनरी देखने को आपको मिलेगी क्योंकि मानसून का सीज़न है तो इसलिए ग्रीनरी आपको अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आ रही है और अच्छी खासी ग्रीनरी मेंटेन भी की है। ये है इंडिया गेट और इंडिया गेट के पीछे से आपको दिखेगा कि लाइटिंग आ रही है, ये जो लाइटिंग आ रही है ये है ठीक जो प्रोजेक्टर लगाए गए हैं लाइट प्रोजेक्टर प्रगति मैदान में वहां से आ रहे और नज़ारा देखो क्या कमाल का है इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट से मैं आपको ITO लेकर चलता हूं। ITO पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो इस फ्लाईओवर के नीचे से जब आप जाओगे तो इसके पिलर को भी पेंट कर दिया जा चुका है और इनफैक्ट सामने आप ये जो देख रहे हो ये फुटओवर ब्रिज है भाई, रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी रात के वक्त दिल्ली के किसी भी कोने में आप ट्रेवल करोगे ना अभी तो आपको ऐसा ही कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा, जी हाँ जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वैसे एक नया पार्क भी बनाया है और बहुत अच्छा लगता है, वो आपको दिखाता हूँ। ये है पार्क दोस्तों जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ है, आजादी का अमृत महोत्सव भी लिखा है और इस पार्क का नाम है शहीद पार्क। इस पार्क के बाहर का नजारा भी अगर आप देखोगे वाओ मैंने कमाल का। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रगति मैदान और उसके आसपास का दिखाता हूँ। प्रगति मैदान के आसपास अगर आप देखोगे तो नई स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं और साथ ही साथ वॉकवे पे भी लाइट लगाई गई है और यहाँ पर आपको ढेर सारे नए अंडरपास का निर्माण भी दिखेगा, जैसे कि राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये नया अंडरपास बना है, बनकर पूरी तरीके से तैयार है और अभी फ़िलहाल इसमें लाइटिंग वर्क का थोड़ा सा काम किया जा रहा है, इसी वजह से अंडरपास को फ़िलहाल हम और आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जैसे ही आप प्रगति मैदान उसके आसपास आते हैं तो कमाल का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंट्री गेट प्रवेश द्वार नंबर 1 है ये और होपफुली इसी से सारे डेलीगेट्स अंदर की तरफ जाएंगे। इसके आसपास देखोगे तो G20 के बहुत सारे लोगो दिखेंगे आपको, साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी फुटओवर ब्रिज है उनमें भी लाइटें लगाई गई हैं जैसा कि ये आपको दिख रहा है। और आपको यहाँ पर आसपास कमाल का नजारा देखने को मिलता है।
अब मैं आपको अंडरपास के अंदर लेकर चलता हूँ। और ये है दोस्तों अंडरपास, जिस अंडरपास में थीम दिया गया है जंगलों का, जंगली जानवरों का। और यहाँ पर ये जो थीम है, ये जो पेंटिंग है, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ये पेंटिंग बहुत पसंद है भाई, सच बता रहा हूँ। वैसे मैंने पहली बार इस प्रगति मैदान पे जो बनाया गया ये अंडरपास है, इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है ये। और वैसे इस अंडरपास से बाहर भी निकलोगे तो भी कमाल का नजारा, जैसे ये देखो पेड़ के ऊपर लाइट लगा दी है, देख रहे हो, मतलब पूरा ना बदल दिया इस एरिया को। ये राइट हैंड साइड में आपको प्रगति मैदान दिखेगा और ये वही एलईडी लाइट दिख रही आगे, जो कि इंडिया गेट पे जब मैं आपको दिखा रहा था तो वहाँ तक ये पूरी इसकी लाइट जा रही थी। और इस जगह पर ये जो बोर्ड आप देख रहे हो साइनेज बोर्ड, ये भी नए इंस्टॉल किए गए हैं। और जितने भी फुट ओवर ब्रिज है उन पर लोगो तो G20 के आपको दिखे जाएंगे। यही है गेट नंबर 1 जो अभी आपको मैं दिखा रहा था। और इसके सामने भी देखोगे तो ग्रीनरी भी आपको कमाल की नज़र आएगी और सभी देश का फ्लैग भी नज़र आएगा गेट के सामने, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो नए दो अंडरपास बने हैं बेसिकली यूटर्न लेने के लिए, वो भी आपको दिखेंगे। और इनके आसपास अगर आप देखोगे जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है उस पर भी एलईडी लाइट लगाई गई है ट्राई कलर की, जी हाँ। और अब आपको प्रगति मैदान भी दिखाता हूँ, जो नई बिल्डिंग बनी है ना वो। यहाँ पर अभी आपको राइट हैंड साइड में ये जो दिख रहा है ना, ये नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। और देखो कि रात में इसका क्या नजारा है भाई। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।